मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं कर सकता है क्योंकि मैं सभी के संपर्क में हूँ, सभी दलों से संपर्क में हूँ, जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं सबके लिए। और प्रशासनिक लेवल पे नहीं है, बाकी देखिए प्रजातंत्र है, ये सबको अपना पक्ष आरोप प्रत्यारोप करने का, एक हेल्दी प्रजातंत्र में आरोप प्रत्यारोप भी जरूरी होते हैं, उस तरह अगर लोग कर रहे हैं। बाकी मेरे स्तर पे तो ऐसा अभी किसी ने नहीं बताया कुछ भी। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वालों को जरूर हम लोगों ने बोला है कि आप करें, क्योंकि एक बार सब्जी की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है फिर इसके बाद ही उसको हम लोग सिस्टम को बनाने का कार्रवाई करेंगे। अभी पहले सब्जी की और सुदृढ़ हो जाए, 3-4 दिन में और सुदृढ़ हो जाएगी, फिर फलों के बारे में निर्णय लेकर के करेंगे कुछ। एक MYH में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, उसमें एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, उसका सिविल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बहुत छोटे छोटे काम बचे हैं, HVAC का बचा है, लाइटिंग का बचा है, लिफ्ट का थोड़ा सा काम बचा है, फ्लोरिंग बची है कहीं ना कहीं, टाइल्स लगनी है, पूरी ऑक्सीजन लाइन डल गई है, फिनिशिंग भी काफ़ी जगह हो गई है। इसी प्रकार उसमें जो ऑक्सीजन टैंक लगता है उसका काम भी बचा हुआ है, जिसके जो कि आराम से 1 महीने के अंदर पूरा हो सकता है। लगभग 7-8 दिन पहले हम लोगों ने रिव्यू लिया था उसका, उसमें तेजी से काम शुरू करा दिया है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो है, B&R एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इसको करा रही है, और कॉन्ट्रैक्टर कोई गुजरात के हैं इसमें, उनसे हम लोगों ने मीटिंग कर ली थी। उनको जो जो माइनिंग से सपोर्ट चाहिए था, PWD से सपोर्ट चाहिए था कि NCC ऑफिस का कमरा को शिफ्ट होना है, तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने करा के और तेजी से काम चल रहा है। लेबर के इशूज थे, 200-250 लेबर मोबिलाइज हो गई है। प्रयास है हम लोगों का कि 25 से 30 मई के बीच में सिविल कार्य पूरा हो जाए। दो काम और बचेंगे, बीच में संजय शुक्ला सर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन आए थे वो थे, डीन मैडम भी थी, कमिश्नर साहब भी थे, तो उसमें चर्चा हुई थी। उस HR का प्रोक्योरमेंट होना है, जो स्टाफ लगेगा उसमें उसका प्रोक्योरमेंट होना है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कैबिनेट का अप्रूवल हो चुका है। और दूसरा जो उसमें मिनिमम इक्विपमेंट लगेंगे, अगर उसको कोविड के लिए तैयार करना है हम लोगों को, तो वो मिनिमम जो वेंटिलेटर्स बाईपैप्स सब लगते हैं, तो वो भी प्रोक्योरमेंट B&R एजेंसी करेगी जेम पोर्टल पे, तो उसके लिए भी एक यहां से पूरी वर्किंग करके भेजना है। बाकी सिविल वाली कार की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है, वो लगभग 1 महीने पूरा हो जाएगा। बाकी डीन मैडम उसमें कवर कर रही हैं, और HR को लेकर के वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को जो ऑर्डर प्लेस करना है। तो अगर ये 25 मई से ये सब लगाना शुरू कर देते हैं, तो 450 बेड का, मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छी है, तो 450 बेड का ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोविड के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी हो सकती है। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक अच्छी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर, अगर कोई ऐसी संभावना रहती है आगे, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ का अस्पताल हम लोगों को मेडिकल कॉलेज के सुपरविजन में मिल सकता है। देखिए गवर्नमेंट को निर्णय लेना है इसमें, क्या अगर कोई ग्रीन जोन में कोई जिला है पूरी तरह से नॉर्मल है और वहाँ पर एक व्यवस्था है इस प्रकार के शराब की दुकानों की, तो उसको अगर एक व्यवस्था ऑलरेडी एस्टेब्लिश व्यवस्था है शासन की और पूरे देश में, और ये सब सर्वमान्य व्यवस्था चली आ रही है, और इंदौर में केवल बॉटलिंग प्लांट में लिमिटेड कर्मचारी रख के बॉटलिंग करते हैं वो, और इसका एक्सपोर्ट होता है इंदौर जिले के बाहर, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। हमें तो मेन ये है कि लिमिटेड लोग वहीं पर रखे हैं वो, और उसका जिले में कहीं प्रदाय नहीं हो हमारे, जो कि रोक रखी है हम लोगों ने। और जहां ग्रीन जिले हैं या बाहर जाती है प्रदेश के, तो वो अपना बिजनेस करें, वो भी एक बिजनेस का माध्यम है, इकोनॉमी का माध्यम है, कर लेंगे मैनेज, ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि अब स्थिति ऐसी नहीं है कि पहले, बहुत स्थिति अलग तरह की थी, अब तो जैसे हमारे अगर बोले हम कि 1650 पेशेंट्स हैं, 500 उसमें डिस्चार्ज हो गए हैं, 1150 बच्चे, 1150 में से कम से कम 1050 पेशेंट्स तो हमारी ये है कि 7 दिन में फर्स्ट सेकेंड निगेटिव रिपोर्ट और सेकेंड निगेटिव रिपोर्ट डिस्चार्ज हो जाएंगे। कुछ ही होंगे 25-50 जो थोड़ा अभी ICU में होंगे या ऐसे क्रिटिकल होंगे जो 10-15 दिन में डिस्चार्ज होंगे। तो अभी पेशेंट की संख्या निरंतर कम हो रही है, हमारे अस्पताल खाली हो रहे हैं, फील्ड का कंट्रोल, फील्ड में भी अब उतना वर्कलोड नहीं है सर्वे टीम्स पे, लोगों का कॉन्फिडेंस भी जीत लिया सर्वे टीम ने, तो वो एक जो पहले सर्वे करने में पूरे एरिया के 2 दिन लगते थे, अब 4 घंटे में कर लेते हैं लोग, सबसे जान पहचान हो गई है, सब लोग अपना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है सबका। तो अब वो अगर हमको डॉक्टर्स विड्रॉ देने ही पड़े वापस, तो इंदौर कुछ संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रदेश के बाहर की अनुमति हम लोगों ने ई पास के माध्यम से जारी देना शुरू कर दिया है, और ई पास भी हम लोग मोबाइल पर ही कर रहे हैं। कल से हम लोग को कंट्रोल मिला था पोर्टल का, तो अभी तक लगभग 1200 की परमिशन कर दी है हम लोगों ने, और मेरे ख्याल से अब 3-1 दिन में 12-13 हज़ार लोग हैं, 3-1 दिन में हम लोग सभी को परमिशन दे देंगे। इसके बाद फिर हम लोग ई पास के माध्यम से ही जो अन्य जिलों के लोग हैं उनकी एप्लीकेशन बुला के, उसे गवर्नमेंट से भी ऑर्डर हुआ नहीं है उसका, स्टेट के बाहर का केवल हुआ है, और इसके ये पहले पूरा हो जाए प्रदेश के बाहर का, फिर उसका लिए हम अनुरोध करेंगे, गवर्नमेंट कोई ना कोई निर्णय लेगी उस पर।